दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक ऐसी कहानी के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस कहानी में जो घटना घटी है उसका वास्ता सभी के जीवन में एक न एक बार इस कहानी की घटना से पड़ता ही है। दोस्तों कहानी एक पहलवान की है। एक बार एक पहलवान हुआ करता था जो अपनी पहलवानी के लिए बहुत मशहूर था और उसका शरीर अच्छा गट्ठा और चौड़ा था। और एक बार जब वो एक गांव में पहलवानी करने गया तो रात को उसे सोना पड़ गया। लेकिन सोते वक्त वो क्या देखा कि एक रुखी, एक गिलहरी, जिसे गिलहरी भी कहते हैं, तो एक गिलहरी उसके रूम में घूम रही थी। लेकिन घूमते घूमते थोड़ा देर बाद गायब हो गई और रूम पूरा बंद था। तो वो उठा और फिर उसके दिमाग में आया कि यार गिलहरी कहाँ गए, वो तो नहीं दिख रही है और दरवाज़ा तो पूरा बंद है। तो अपने दोस्तों को बताया तो किसी एक ने उसे मजाक करते हुए कह दिया कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे मुंह में चल गई, मुंह के रास्ते पेट में चल गई। तो सब हंसने लगे, वो भी खूब हंसा और वो बात को थोड़ा सोचने लगा कि अरे यार ऐसा क्या मजाक करता है कि पेट में चल गया। वो हंसा लेकिन एक बात उसके दिमाग में आ गई कि हो सकता है कि वाकई में तो वो मेरे मुंह के रास्ते पेट में नहीं चल गई, क्योंकि मैंने देखा था कि घर से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। आखिर गिलहरी गई तो गई कहाँ। दोस्तों यहीं से उस पहलवान की जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो पहलवान दिन रात ये सोचने लगा कि कहीं वो गिलहरी मेरे मुंह में तो नहीं घुस गई, वो मेरे पेट में तो नहीं चल गई। और ये सोचते रहा और अपने पेट की ओर इतना ज़्यादा ध्यान देने लगा कि किसी भी कारण से पेट में थोड़ी सी भी गुड़गुड़ या थोड़ी सी भी गड़बड़ी या थोड़ा सा भी दर्द होता तो वो ऐसा फील करता जैसे कि गिलहरी उसके पेट में ही है। वो कई डॉक्टर को दिखाया, कई कई डॉक्टर तो हंस के उसे टाल दिया और कई कई जगह तो उसे मजाक का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके मन में शक प्रवेश कर गया था और वो आदमी दिन रात इसी के बारे में सोचते रहता। और जब एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके काम की ओर से आपका ध्यान हटेगा। तो उसका ध्यान पहलवानी की ओर से भी हट गया और ठीक से प्रॉपर कसरत नहीं कर रहा था तो शरीर से उसका ध्यान भी हटने लगा, उसका शरीर ढलने लगा और खाना पीना नहीं खाने की वजह से भी उसका शरीर बिगड़ने लगा। और हट्टा कट्टा पहलवान एक रोगी की तरह एकदम पतला दुबला हो गया। लेकिन वो इलाज कराना नहीं छोड़ा, वो अपना प्रयास भर, हिम्मत भर जब भी कोई वैद्य आता तो एक बार उसे जाकर जरूर दिखाता और बताता और सब लोग हंस के मजाक उड़ा के उसे भेज देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, कुछ और बात होगा। और दोस्तों जैसे कहा जाता है कि जब जीवन में शाम होती है रात होता है, वैसे ही जीवन में सवेरा भी होता है। उसके जीवन की रात भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, फिर से उसके जीवन में सवेरा आई और एक जाने माने वैद्य के बारे में उसको जानकारी मिली। तो सबसे पहले तो बता दिया कि देखिए वैद्य जी, चाहे आपको हंसना है या मेरा मजाक उड़ाना जो उड़ा लीजिए, लेकिन मेरे मुंह में गिलहरी चला गया है, सोया था। तो वैद्य जी उनका पेट को छूछा किए जैसे तैसे, फिर बोलते गिलहरी तो पक्का गई है तुम्हारे पेट में यार, पक्का गई है। जो बोल रहे हैं कि गिलहरी तुम्हारे पेट में नहीं है वो कुछ जानते ही नहीं है, एकदम 100% गिलहरी गई है और तुम्हें कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे। जब मैं कहूँगा तब ये दवा खाना, क्योंकि खास टाइम पर दवा खाओगे तभी गिलहरी के ऊपर असर पड़ेगा और फिर वो गिलहरी मर जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से मैं तुम्हें बोलूँगा उस तरीके पर तुम जाना और उसी तरीके से उल्टी करना, तब गिलहरी बाहर आएगी। वैद्य जी ने उसे एक दवा दिया और कहा कि इस दवा को खाने के बाद तुम्हें उल्टी आएगी, लेकिन उल्टी आँख बंद करके करना क्योंकि गिलहरी की बात है, वो अलग तरीके से बाहर आएगा, ऐसे बाहर नहीं आएगा। और जब तक मैं ना कहूँ आँख मत खोलना। और वैद्य जी ने उसे दवा दिया और दवा देकर कहा कि इस दवा को खाने के बाद थोड़ा सा भी जब तुम्हें कोई अलग चीज़ हो या थोड़ा सा भी कुछ अलग चीज़ें घटे तुम्हारे साथ तो तत्काल मुझे सूचित करना। तो जैसे ही वो दवा खाया उसे उल्टियाँ होने लगी और उल्टियाँ होने लगी तो दौड़ते दौड़ते वैद्य जी के पास गया। तो वैद्य जी बोले कि कहाँ उल्टी हुआ, जल्दी चलो। तो वहाँ जब गया तो उसने क्या देखा कि जहाँ उल्टी किया था वहाँ एक गिलहरी भाग रही थी। तो वैद्य जी बोले कि ऐसी गिलहरी देखे थे ना, सोचो देखो ध्यान से, क्योंकि देखो इसका शरीर पूरा गीला है, भीगा है। तो वो बोलता हाँ यही था। और उसके बाद से उसका पेट का जो परेशानी था वो भी ठीक हो गया और वो पूरी तरह से
अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा और फिर से पहलवानी करने लगा, फिर से अपने शरीर पर ध्यान देने लग गया और अपने खान पान को भी सुधार लिया और फिर से पहले की तरह बड़ा पहलवान बन गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस आदमी के पेट में गिलहरी थी ही नहीं, वैद्य जी ने उसे साधारण उल्टी की दवा दी थी और अपने आदमी लगा रखे थे कि एक गिलहरी को भिगा करके जब मैं आऊं तो छोड़ देना। तो दोस्तों हमारे जीवन में ऐसा पल अक्सर आता है जब हमें लगता है कि हमें कोई बीमारी पकड़ ली है, बड़ी बीमारी पकड़ ली है, और उस बीमारी का नाम सुन सुन के यूट्यूब में सर्च कर कर के 10 जगह पढ़ पढ़ के उस बीमारी के लक्षण, हमें कोई साधारण दर्द भी होता तो हम सोचते हैं हमें कोई मेजर प्रॉब्लम आ गया, और हम इतना ज़्यादा सोचते हैं फिर कभी उधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, और जब हम इस दर्द को फील करते तो हमें हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है, और जब घबराहट पैदा होती है तो हमारा शरीर का पाचन तंत्र थोड़ा बिगड़ता है और हमारे शरीर में गैस बनती है, और जब गैस बनता है तो शरीर के अलग अलग भागों में सुई चुभने की तरह दर्द करता है, तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में और कहीं दर्द कर रहा है और हमारा पूरा ध्यान शरीर की ओर ही रहता है, और हम न चाहते हुए भी अपने काम धाम से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान अपने शरीर पर ला लेते हैं, और इससे हमारा काम धाम भी बिगड़ता है और हमारा शरीर भी बिगड़ता है, और जबकि होता हमें कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग तो खुद ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो का सार क्या है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को बताना क्या चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपके थोड़ा भी काम का लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।